अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये सुबह सुबह गांव की सुबह ऐसे होती है, ये हल्का हल्का सूरज निकल रहा है, खूबसूरती चेक करें। ये अभी है 5:30 का टाइम है, ये चारों तरफ बाग है। सुबह का एक अपने मंजर होता है, खूबसूरती, हर तरफ परिंदों की आवाज़ें, क्या बात है। दूर दूर तक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के करम से होंगे आप लोग। सुबह का बहुत ही खूबसूरत मंज़र आप ये देखें कि गांव की एक अपनी रौनक होती है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने नज़र आ रहा है बाग, ये पीछे मेरे, ये टोटल ये इस साइड पे बाग नज़र आ रहा है, ये इस तरफ भी बाग नज़र आ रहा है, और ये टोटल इस तरफ दूर दूर तक जितना भी बाग नज़र आ रहा है, ये हमारा, ये जो बाग है हमारा बचपन है। और जैसे लोग कहते हैं कि गांव के लोग जो होते हैं सच्चे होते हैं और कच्चे होते हैं, और वाकई ऐसा होता था, अब बहुत कम है, अब ऐसा नहीं है। असल में अब गांव में भी पक्के घर बनना शुरू हो गए हैं। जब आप मज़बूत और पक्के घर में रहना शुरू हो जाएंगे तो आपके दिल पर असर करते हैं। खूबसूरत मंज़र, ये नज़ारे, ये सामने जो बाग हैं, टोटल इसमें हम लोग खेलते थे, यहाँ से हम लोग वापस आते थे, और ये जो घर था जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, घर, ये घर कच्चा होता था, यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो कमरे होते थे, साथ में ये मेरे तायाबू का घर होता था, ये भी छोटा सा घर होता था। और जितने भी आसपास के घर हैं ना, जैसे ये घर हो गया, इधर उधर वाले जितने घर हैं, ये सब कच्चे होते थे किसी टाइम में। आज से आपको मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20 साल, तब हम छोटे छोटे थे, बिल्कुल छोटे छोटे थे, 8-10 साल 12 साल उम्र थी हमारी। उस वक्त भी ये बाग ऐसे ही था जैसे आज है ये सारा बाग, और आज भी ऐसे ही है, वही खूबसूरत नज़ारे, वही इस बाग की खूबसूरती। आज भी इस बाग में जाना मज़ा आता है, बड़ा सुकून फील होता है वहाँ जाके। और ये रास्ता जो होता था, ये सामने ये रास्ता नज़र आ रहा है, इसी रास्ते थ्रू अंदर जैसे जैसे, और फिर हम लोगों को जो है ना आगे, मतलब है कि ये इस तरफ ये बाग में, और इससे इस तरफ जाना, ये पूरी जो सड़क होती थी, ये जो पट्टी बनी हुई, इस तरफ जाके आगे नहर की तरफ आता था रास्ता। ये एक अपना ही मंज़र था, जब छुट्टियां होती थी दिलकश मंज़र होता था यहाँ का बाग का। गर्मी की छुट्टियां पूरी इस बाग में गुजारते थे, जैसे कि वहाँ से आना, ये सामने वाली ये जो ये लाइन जा रही है, यहाँ से जा कैसे वहाँ से ना आगे से जाके इस तरह नहर पे जाना, और इसी बाग में मतलब खेलना, हमें जो चीज़ें होती थी मुख्तलिफ खेल होते थे गांव में, जैसे होते हैं अमूमन बच्चे खेलते हैं, बस वही हमें क्या पता शहर क्या है, हमें क्या अंदाज़ा शहर की गहमा गहमी का, हमें क्या अंदाज़ा था कि शहर की मसरूफियात, शहर की रौनकें,
बनावटी रौनक हैं, बनावटी। हमसे ये गांव की देसी सादा और खूबसूरत चीज़ें छीन लेंगे। कभी नहीं सोचा था ये कराची से सफर कर गया है, बेहोश हुआ पड़ा है चार भाई पे ऊपर होश ही नहीं है इसको। ये जी बेलतुरी लगी हुई है, बेलतुरी के फूल हैं ये सारे, ये तो खत्म हो गई। ये बेलतुरी और ये कद्दू लगा हुआ है। ये गांव का ये तो एक फायदा है कि बंदा जो है ना अपना घर में सब्जी लगा दे, क्यारी बनी हुई है सब्जी की। ये जी देखें देसी अपना माहौल है अपना, ये लगाया हुआ मेरी वालदा ने। ये जड़े बूटे देखें, ये देखें खुद ही लगाई है घर में, ज़रूरत नहीं है ये कुछ और चीज़ें लगाई हुई हैं।